सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। श्रीमद् भगवद् गीता जैसे बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का एक आधार है और उस श्रीमद् भगवत गीता को जब अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं तो ज्ञान के कई एस्पेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को ज्ञान सागर ने अथाह ज्ञान का खजाना दिया है और इसीलिए इस ज्ञान के खजाने को और स्वयं के अंदर ग्रहण करते हुए उसको डे टू डे लाइफ में रियलाइजेशन के साथ अप्लाई करने के लिए हम बच्चों को जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हमें बाबा योग के माध्यम से देते हैं और इसीलिए यादगार शास्त्र में भी श्रीमद् भगवद् गीता में भी हर अध्याय योग से कनेक्ट किया गया है कि जब तक ये कनेक्शन न हो, योग न हो हमारा, योग का कई मतलब यहां निकलता है। एक तो योग का मतलब कनेक्शन होता है, दूसरा योग का मतलब बैलेंस होता है, संतुलन, और तीसरा योग का मतलब है एफिशिएंसी। इसीलिए योग से व्यक्ति के अंदर कार्य कुशलता आती है, व्यवहारिक कुशलता आती है, यानी जो हमारे संबंध है उस संबंध में भी हमें बहुत सुंदर ये अनुभव कराती है। लाइफ में जो अलग अलग हमारे जीवन के पहलू है, जैसे पारिवारिक पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, या हमारा एक व्यक्तिगत जीवन है या प्रोफेशनल लाइफ है, ये विभिन्न पहलू जो है, इन सब विभिन्न पहलू में योग हमें बहुत सुंदर
बैलेंस सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर ये बैलेंस ले आए। कहा जाता है कि जहां बैलेंस बिगड़ता है वहां फिर उसको ठीक करने में डबल ट्रिबल समय लग जाता है। इसीलिए योग हमारे जीवन के अंदर वो कुशलता ले आता है जिससे हम ये बैलेंस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सके, और तभी हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ भी, परमात्मा के साथ भी सहज रीति से लग जाए। हम सभी ने पिछले सत्र के अंदर दूसरा अध्याय देखा था कि जिस दूसरे अध्याय में आत्मा की शाश्वतता के विषय में, आत्मा अविनाशी शक्ति है, उसके विषय में भगवान ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, उस बात को बहुत अच्छे से समझा। और हम सभी उस स्टेज तक पहुंचे थे कि जहां भगवान अर्जुन को स्वधर्म का परिचय करा और कहता है कि हे अर्जुन, स्वधर्म के हिसाब से भी तुम्हें योग, तुम्हें युद्ध जरूरी है, स्वधर्म के हिसाब से भी तुम्हें ये युद्ध करना आवश्यक है। अब यहां जब भगवान अर्जुन को कह रहा है कि तुम्हें स्वधर्म के हिसाब से भी युद्ध करना आवश्यक है, तो अक्सर लोग हमें यही बताते हैं कि स्वधर्म माना भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के विषय में कह रहा था कि क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी स्वधर्म है। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो तुम्हें ये युद्ध करना क्यों जरूरी है। ये बताया गया कि स्वधर्म को देख करके भी तुम भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। और यहां एक बहुत सुंदर बात कही है, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। अब यहां जब भगवान अर्जुन को स्वधर्म की बात कह रहे हैं कि स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, तो जैसे कहा कि अक्सर लोग हमें यही बताते हैं, महात्माएं कहो या जो भी गीता पर विवेचन करने वाले हैं, वो हमें यही बताते हैं कि क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था इसीलिए, और वो विषाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, इसीलिए भगवान उसको मोटिवेट करने के लिए उसको कहते तू क्षत्रिय है इसलिए तुझे युद्ध करना है। सोचने की बात ये है कि अगर भगवान क्षत्रिय धर्म के विषय में उसको याद दिला रहा था, स्मृति दिला रहा था, तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है, इज फॉर द टोटल ह्यूमैनिटी। और इसीलिए अगर सारी मानव जाति के लिए है तो फिर यहां मानव जाति का स्वधर्म क्या है? तो देखा जाता कि हर चीज का अपना गुण धर्म होता है। जैसे पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को आप कितना भी उबालो और उबाल उबाल कर रख दो, कुछ समय में ही धीरे धीरे वापस अपने शीतल स्वधर्म में आ जाएगा। यह मान लो कि आपके पास उबलता हुआ पानी है और उबलता हुआ पानी आप उसको ये करना चाहते हैं कि मान लो कि कहीं कहीं आग लग गई हो
और उस समय आपके पास और कोई साधन नहीं है आग को बुझाने का, और वो गरम गरम उबलता हुआ पानी है। आप वो गरम गरम उबलता हुआ पानी जो है उड़ेल दो उसी आग के ऊपर, आग बुझ जाएगी। ये नहीं कि पानी गर्म था इसलिए आग को बुझाना कठिन है, नहीं, पानी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ेगा, चाहे वो गरम गरम पानी हो तो भी वो आग बुझाने का काम करेगा ही, और आग को भड़काने का काम नहीं करेगा। तो हर चीज का अपना एक गुण धर्म है। ठीक इसी तरह हर आत्मा का गुण धर्म क्या है, तो यहां जो स्वधर्म की बात की वो आत्मा के गुण धर्म से कनेक्टेड है। तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि शरीर और आत्मा दो चीज है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। दोनों का जब योग हुआ तो जीवन हो गया। अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ, योग हुआ। इस जीवन को हम बहुत अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि जीवन माना पांच तत्व, और इसीलिए शरीर को जीने के लिए वही पांच तत्व आवश्यक है। आज एक तत्व भी कम हो जाए तो जीवन संभव नहीं है। आज पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि 60-70% इस बॉडी के अंदर पानी है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप हम ग्लास छोड़ देते हैं। ये नहीं कि भाई कल के लिए पी ले, एक्सेस पी ले, नहीं, एक्सेस हम नहीं पीते हैं। पानी चाहिए, जितना पानी का बैलेंस हो जाता है शरीर में बस उसके बाद ग्लास छोड़ देते हैं। कोई कहते इतना ही छोड़ दिया, आधा ही पिया आपने, ये आधा क्यों वेस्ट जाने दे रहे हैं, बस मेरे को इतना ही प्यास है और नहीं चाहिए। और इसीलिए जब नहीं चाहिए ये कहते हैं कि भाई एक्सेस पी के हम क्या करेंगे। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी, जीवन जीने के लिए आत्मा को भी कुछ चाहिए, आत्मा को भी चाहिए। शरीर को पांच तत्व चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए, वायु चाहिए, भोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर की वास्तविकता है, शरीर उसी पांच तत्वों से बना है। ठीक इसी तरह आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, तो आत्मा को जीवन जीने के लिए सात गुण चाहिए। आज वो सात गुण कौन से हैं जो हम सभी को चाहिए? जिस तरह रेनबो में 7 कलर्स है, म्यूजिक में 7 सुर है, ठीक इसी तरह आत्मा की वास्तविकता 7 गुण है। ये बेसिक है। जिस बेसिक गुण से ही अनेक गुण आते हैं, जिस तरह 7 कलर्स है, ये 7 कलर्स को जब परसेंटेज वाइज मिक्स करते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हजारों कलर्स हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक इसी तरह ये 7 गुण भी परसेंटेज वाइज जब हम जीवन के अंदर एप्लीकेशन में यूज करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं तो अनेक गुण, जिसको कहा जाता है डिवाइन वर्च्यूज, या गीता के हिसाब से जिसको कहा गया है दैवी संपदा, वो संपदा हम जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं।
वो एक ऐसा ट्रेजर है जिस ट्रेजर से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं और हर संबंध को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो वो सात गुण कौन से हैं? वो है, सबसे प्रथम है ज्ञान। क्यों ज्ञान हमें चाहिए? बचपन से ही हर इंसान को ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। आज एक छोटा बच्चा होता है, उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रख दो, वो क्या करेगा? तुरंत उस खिलौने को पकड़ेगा, उसको तोड़ने का प्रयास करेगा कि आवाज कहां से आ रही है। जिज्ञासा जानने की उस उम्र से है कि मुझे ये जानना है ये आवाज कहां से आ रहा है। तो ज्ञान चाहिए क्योंकि ये मेरी वास्तविकता है। ज्ञान माना समझ। जैसे जैसे उस समझ को हम इनकल्केट करते जाते हैं, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी स्वतः विकसित होने लगती है। मैच्योरिटी कहो, परिपक्वता कहो, ये हमारी वास्तविकता बन जाती है। उस ज्ञान के साथ साथ दूसरा गुण जो चाहिए वो है पवित्रता, प्योरिटी। और वो प्योरिटी, एक बच्चा जब पैदा हुआ कितना प्योर एंड इनोसेंट है, ये वास्तविकता है उसकी। यानी हम सबकी ओरिजिनलिटी जो है, ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है, कि हम सभी भी एक प्योर बीइंग है। आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है, निर्मल है। इसीलिए जब कभी मंदिर में जाते हैं तो कहते शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो प्योर एटमॉस्फियर है, अच्छा लगता है। जहां पर भी पवित्रता है वातावरण के अंदर भी, वहां अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। कई बार देखते हैं दो व्यक्ति की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और था। He was not pure at his heart. उसके अंदर वो प्योरिटी नहीं थी, सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम। सो वेयर आर वी कंफर्टेबल? हम कहां अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं? जहां प्योर वाइब्रेशंस है, जहां रिश्तों में भी प्योरिटी है, प्योर फीलिंग्स है, वहां कंफर्टेबल फील करते हैं। जहां समझ है, ज्ञान है, प्योर फीलिंग्स है, ये दोनों जहां मिक्स होते हैं वहां प्रेम है। और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्यार ही तो चाहिए। बुजुर्ग है उसको भी प्यार चाहिए, बच्चे हैं उसको भी प्यार चाहिए। ये नहीं कहते हैं बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया इसलिए भी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा। नहीं, हर इंसान को प्यार चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। जहां ये तीनों है, ज्ञान है, प्योरिटी है, प्रेम है, वहां शांति है, अर्थात वी फील रिलैक्स्ड। लेकिन वो प्रेम भी अनकंडीशनल, निस्वार्थ होना चाहिए, तब वो शांति है। अगर वो प्रेम में भी कहीं मतलब आ गया, आज छोटे बच्चे को भी आप कहो के देखो हम तेरे को चॉकलेट देंगे, ये देंगे, अचानक उसके साथ
इतनी प्यार से आप बात करने लगो तो बच्चा भी क्या कहता है, मतलब की बात करो, व्हाट डू यू वांट, हमसे क्या चाहते हो ना? इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, आज अचानक इतना प्यार क्यों आने लगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हर इंसान को निस्वार्थ प्यार चाहिए, मतलब वाला नहीं। और जहां निस्वार्थ प्यार है वहां शांति है, अर्थात हम रिलैक्स फील कर सकते हैं। जहां स्वार्थ है प्यार के अंदर, वहां स्ट्रेस होने लगता है। कोई बहुत प्यार से बात करने लगते हैं तो आपके मन में तुरंत ये स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, अब कौन सा मतलब है उसका पता नहीं है, ये क्या डिमांड करने वाला है, ये क्या चाहता है तुमसे। तो भावार्थ ये कि इंसान रिलैक्स्ड कब फील करता है, जब निस्वार्थ प्यार है। और जहां ये चारों बातें, वहां जीवन के अंदर सच्चा सुख है। आज व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है, क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। और शांति क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम नहीं है। तो ये सब इंटरनली कनेक्टेड है। और जहां सच्चा सुख है वहां ये पांचों बातें, जहां है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज व्यक्ति के जीवन में आनंद तो बहुत दूर की बात, जो आनंद का फर्स्ट स्टेप खुशी है वो खुशी भी नहीं रही। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, बगीचे में जाकर हंसना पड़ता है, घर में अगर मुस्कुरा देते हैं तो भी घर वाले ही पूछने लगते हैं, क्या बात है, आज क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? अगर हमने कहा, हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और हमने कह दिया कि बस ऐसे ही, तो पूछते हैं घर वाले हैं, आर यू ओके, आप ठीक हो, हाउ कैन यू स्माइल विदाउट एनी रीजन, है ना? तो आज व्यक्ति जीवन में खुश होता है, लेकिन कभी कभी वो सोचता है कहीं लोग मुझे ये ना कह दे के वेदर आई एम नॉर्मल और नॉट, तो खुशी अपनी छिपाने का प्रयत्न करता है कि लोग मुझे पूछे नहीं कि मैं क्यों इतना खुश हूं। ऑफिस में अगर व्यक्ति स्माइलिंग फेस लेकर के जाता है तो ऑफिस वाले भी सोचते हैं आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आज जो काम करवाना है करवा लो। लोग एडवांटेज लेना चालू करते हैं, इसीलिए भी लोग समझते कि नहीं, टाइट होकर के ही जाना है ताकि कोई हमारा एडवांटेज ना, माना व्यक्ति खुश है, मुस्कुराना चाहता है लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता है। कैसी लाइफ की विडंबना है। और जहां ये सब बातें हैं वहां जीवन के अंदर शक्ति का अनुभव है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सब शक्तियां हैं। नॉलेज इज पावर कहा, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सारी शक्तियां हैं। और जहां ये सारी शक्तियां हैं तो आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति यानी एक विल पावर अपने अंदर आ जाता। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से बहुत दूर चले गए। इसलिए आज स्कूलों में भी देखा जाए छोटे बच्चों को कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, फियर साइकोसिस क्यों आ जाते हैं?
भय क्यों महसूस होने लगता है, नर्वस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मशक्ति की कमी है, आत्मशक्ति क्षण हो गई है, और इसीलिए फियर या नर्वसनेस, डिप्रेशन, ये इसीलिए तो आता है। तो ये सात गुण जहां है वहां आत्मा सशक्त, एम्पावर्ड फील करती है। लेकिन जिस तरह शरीर से अगर पांच तत्व में से एक तत्व भी कम हो जाए, पानी नहीं है या अंधेरा है, तो इंसान को भय जरूर लगेगा। ठीक इसी तरह अगर ये सात गुणों में से एक गुण भी कम है, तो धीरे धीरे बाकी सब गुण भी डिप्लीट होने लगते हैं, बाकी सब गुण भी समाप्त होने लगते हैं, बैटरी एकदम डिस्चार्ज होने लगती है। ये सात गुण आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगी है, कईयों की तो एकदम डिस्चार्ज हो गई है। अब ये बैटरी को चार्ज करना है, कैसे करेंगे? सिंपल टेक्निक आज आपको बताती हूं बैटरी को चार्ज करने की। कहा जाता है जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा। What you give, you get. ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आपको अगर प्यार चाहिए तो प्यार बांटना शुरू करो, लेट दैट लव फ्लो। जितना प्यार बांटना शुरू करेंगे वो वापस रिटर्न होकर के स्वयं के पास आएगा। आपको खुशी चाहिए, खुशी बांटना शुरू करो। जितना दूसरों को खुशी देंगे हमारे पास रिटर्न में आ जाएगा। अगर दुख बांटना शुरू करेंगे ना तो खुद के अंदर दुख भी आएगा। कई लोग कहते हैं दुख को बांट देने से हल्का हो जाते, हल्का नहीं होते और ज्यादा दुखी होते हैं। आप कभी खुशी में दुख नहीं बांटते हैं, है ना? तो जो बांटेंगे वो बढ़ेगा। आपको क्या चाहिए? दुख चाहिए, सुख चाहिए? अगर सुख चाहिए, सुख बांटना शुरू करो, खुशी बांटना शुरू करो, प्रेम बांटना शुरू करो, ज्ञान बांटना शुरू करो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, है ना? जो आप बांटेंगे वो बढ़ेगा। ये सिंपल टेक्निक है। तो आत्मा की बैटरी अगर मुझे चार्ज करनी है, वो चीज देना शुरू करो। कोई भी, अगर और कुछ नहीं तो कोई भी, ये सात गुणों में से कोई भी एक गुण भी देना शुरू करो। आप कोई भी एक गुण की एनर्जी को लेट इट जस्ट फ्लो। तो भी जैसे कहा कि इंटरनली ये सातों गुणों का इतना गहरा कनेक्शन है, अगर एक डिप्लीट हुआ तो बाकी सब भी डिप्लीट होना शुरू होते हैं। तो एक की वृद्धि करेंगे तो बाकी सभी भी वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि आज देखो संसार में हर चीज देने का काम कर रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी दे रहे हैं। बहुत सुंदर भक्ति मार्ग में भजन आता है, नदी न पिए अपना जल, है ना, पेड़ न खाए अपना फल, वो दूसरों के लिए। इसीलिए आज तक भी उसकी महत्ता हर इंसान को है कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, नदी को फ्लो होने देना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी लेट दिस एनर्जी ऑफ सेवन वैल्यूज फ्लो।
ये सातों गुणों की ऊर्जा जितनी फ्लो होने लगे आपके चारों ओर, आप उसका ओरा फील कर सकेंगे। और इतना नहीं, लेकिन इस ओरा से आप समृद्ध होते जाएंगे, ये गुणों से आप स्वयं में समृद्ध होते जाएंगे, भय आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएगा। इसीलिए ये सात गुण चाहिए। आज किसी को भी पूछो तो क्या कहते हैं, शांति चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरी वास्तविकता है। कोई मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, क्यों चाहिए? कहते सुख मिलता है। कई लोग सत्संग करने जाते, क्यों जाते? कहते ज्ञान मिलता है। मंदिर में जाते, क्यों जाते? कहते प्योर एटमॉस्फियर मिलता है। हर इंसान प्रेम चाहता है, क्या कहते हैं, हमें सुखी रोटी चलेगी लेकिन प्रेम से तो बात करो। कहीं धन दौलत नहीं चाहिए, प्रेम से ही बात तो करो। क्यों प्रेम चाहते हैं? क्योंकि वही हमारी वास्तविकता है। शक्ति चाहिए, किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति चाहिए। तो ये सातों गुण, ये हमारी वास्तविकता है। आज संसार के अंदर देखो जितनी भी महान हस्तियां हो गई, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे प्रकाशमणि दादी या इसी संस्था के फाउंडर ब्रह्मा बाबा हो, ये सभी के जीवन के अंदर, ये आज दुनिया के अंदर विशिष्ट पर्सनालिटीज हो गई। कई लोग इसको अपना आइडियल मानते हैं, उनको पूजते हैं, ये तो इंसान हमारे जैसे ही, फिर ऐसी क्या खास बात थी जो लोग आज भी उनको पूजते हैं, उनको अपना आइडियल समझते। कई लोग स्वामी विवेकानंद को आइडियल समझते, कई मदर टेरेसा को आइडियल समझते, कई प्रकाशमणि दादी को आइडियल समझते। क्यों? ऐसी क्या खास बात थी? उनकी सोल बैटरी फुल्ली चार्ज थी। हर एक के अंदर देखो ज्ञान था, प्योरिटी थी, प्रेम था। मदर टेरेसा कितना प्रेम मानती थी, है ना, शांति थी जब भी वो बैठते थे। महात्मा बुद्ध को देखो, कितनी शांति का चेहरा है। महावीर स्वामी को देखो, कितनी शांति रेडिएट हो रही है, एक इंटरनल सुख महसूस होता है, आनंद है, खुशी और शक्ति है, आत्मविश्वास, सोल पावर है। तो ये सातों गुणों से उनकी बैटरी फुल चार्ज, तब वो दूसरे के आइडियल बन गए। अगर हम भी अपने जीवन को या अपने सोल को ये सातों बैटरी से फुली चार्ज करें, तो हम भी किसी के आइडियल बन सकते हैं या नहीं बन सकते? हम भी उस शिखर को पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं? ये भगवान अर्जुन को कहना चाहता है कि स्वधर्म को देख करके भी तो भय करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सातों गुणों की जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि तुम कभी लो एनर्जी अपने में फील करेगा नहीं। भय मीन्स व्हाट? भय किसको कहा जाता है? वेरी लो एनर्जी। तो कभी अपने में लो एनर्जी महसूस नहीं करे, यू विल ऑलवेज बी चार्ज्ड, शक्तिशाली अनुभव करेंगे। क्योंकि जीवन के संघर्ष में, क्योंकि भगवान कहते हैं, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। धर्म युक्त भावार्थ है, युद्ध क्या है? जीवन का संघर्ष। और जीवन के संघर्ष में धर्म युक्त युद्ध, यानी ये सातों गुण, ये रिलीजियस या
डिवाइन क्वालिटीज है। ये डिवाइन क्वालिटीज से जीवन के संघर्ष को करना इजी हो जाएगा, या मैं कहूंगी जीवन का संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। आज व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संघर्ष क्यों महसूस करता है? ये एवरी मोमेंट जैसे स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है अपने आप से, हालातों से, परिस्थितियों से, प्रॉब्लम्स से, लोगों से। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसकी सोल बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है और उसको यूज नहीं कर रहा है, उसके बदले वीकनेस को यूज कर रहा है। क्रोध, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको यूज कर रहा है। तो जीवन का संघर्ष क्या होगा? बढ़ जाएगा और युद्ध बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये सोल बैटरी को यूज करेंगे आप, ये सातों गुणों को, लेट इट फ्लो इनटू दोस प्रॉब्लम्स आल्सो, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगा या कम होगा? सिंपल लॉजिक है, वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं इस धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अगर जीवन की हर संघर्ष में विजयी होना है, इफ यू वॉन्ट टू विन एवरी बैटल, क्या करना चाहिए? ये पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो होने देना चाहिए। ये सात गुण, ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये सात गुणों की एनर्जी को फ्लो होने देना पड़ेगा। तो लाइफ की स्ट्रगल इतनी सहज सरल हो जाएगी और उससे कल्याणकारी मार्ग और कोई है ही नहीं। लेकिन अगर इस युद्ध, धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा, बहुत गहरी बात यहां भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा, अगर ये वैल्यूज के साथ तुम ये स्वधर्म के आधार पर जीवन के संघर्ष नहीं करेगा, तो कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगी। बहुत गहरी बात यहां कही। कीर्ति माना जो वैल्यूज की एनर्जी को फ्लो होने देने लगते हैं इस प्रॉब्लम्स में, तो व्यक्ति की कीर्ति हो जाती है। जहां वो सोल एनर्जी से काम करता है, ये सात गुणों के आधार से काम करता है, वहां लोग अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, उसका सम्मान होता है, उसका रिस्पेक्ट बढ़ता है, उसकी प्रेज होती है ना, कीर्ति बढ़ने लगती है, प्रेज उसकी बढ़ने लगती है। जैसे स्वामी विवेकानंद की प्रेज इतनी क्यों, ऐसा क्या किया उसने? उसने अपने चारों ओर ये एनर्जी को फ्लो होने दिया तो शिखर पर पहुंच गया। जीवन के अंदर शिखर पर पहुंच गया। मदर टेरेसा ने क्या किया? ये सातों गुणों की ऊर्जा को फ्लो होने दिया। तो प्रेज, कीर्ति जीवन में उसको प्राप्त होने लगी, है ना, सम्माननीय बन जाता है। और जहां ये सात गुणों की एनर्जी होगी, वहां पाप नहीं होगा। लेकिन अगर ये सात गुणों के बदले सात अवगुणों की एनर्जी यूज किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, ये कमजोरियों की एनर्जी को यूज किया, तो क्या होगा? वो प्रेज भी खत्म हो जाएगी और पाप की प्राप्ति करेगी, प्राप्त, पाप प्राप्त होने लगा। इसलिए लास्ट में ये जो लाइन कही है कि आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यानी ओरिजिनल हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो ट्रेजर है, वो क्या है? ये आत्मिक संपत्ति, सात गुणों की संपत्ति, जो हमारी ट्रांसेंडेंटल नेचर है, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है आत्मा की, ये हमारा रियल ट्रेजर है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। ज्ञान योग, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है पूरा ज्ञान योग है, सांख्य योग उसका नाम ही है चैप्टर का, सांख्य योग,
Shankhya means knowledge, true understanding about the self. तो स्वयं के विषय में जो true understanding है, उस true understanding के हिसाब से इसको use करना, सिद्धांत के हिसाब से follow the principles. आत्मा के नेचर को, उस ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझते हुए उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, लाइफ इतना इजी हो जाएगा. शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, सब मिलेगा जीवन के अंदर जो हमारी चाहना है. आज इंसान को जीवन के अंदर यही तो चाहिए, उसी के लिए वो सारे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स अपनाता है, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटीज चाहता है. क्यों चाहता है? शांति हो, खुशी हो, आनंद हो, उसी के लिए तो. लेकिन कहा जाता मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस. कितना भी धन संपत्ति लगा दो, वो खुशी खरीद नहीं सकता है. कितनी भी धन संपत्ति लगा दो, वो आपको आत्मिक सुख नहीं दे सकता है. Because it has to come from within. वो बाहर से नहीं मिलता है, भीतर से आता है. इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने क्या कहा, शांति बाहर नहीं अंदर है, खुशी बाहर नहीं अंदर है, गो विदिन, अंदर जाओ. लेकिन अंदर कहाँ जाना है, कैसे जाना, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं. इसीलिए दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है लाइफ में. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन ही आएगा. आगे भगवान बहुत सुंदर बात अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मरोगे, अगर ये जीवन का संघर्ष करते करते तुम मर भी गए, तो तुम स्वर्ग में राज्य को प्राप्त करेंगे. अर्थात ये पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के तुम जीवन जीता है तो तुम्हारे जीवन में स्वर्ग जैसा सुख ही मिलेगा. और युद्ध में जीतोगे, मर गए, अगर शरीर छोड़ दिया, तो तुम ऐसे जगह जाएगा स्वर्ग में, क्योंकि कलयुग के बाद तो सतयुग आना है, तो स्वर्ग में राज्य को प्राप्त करोगे. और अगर युद्ध में जीतोगे, जीत गए, जीवन के संघर्ष में जीत गए, तो पृथ्वी पर स्वराज्य, अगर अर्थात इस लाइफ में ही तुम जैसे स्वर्ग के सुख को भोगोगे. यह युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच में चलता है ना. यह युद्ध किस चीज की है? ये युद्ध है आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच में. ट्रांसलेशन करने वाले को, यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो वह स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त करता है. अगर बुराइयों को जीत लिया तो नेचुरली वो स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त करता है. अर्थात वो उस डिविनिटी को जीवन के अंदर एक्सपीरियंस करता है. तो ये युद्ध वास्तव में किसका है? हमारी बुराई और हमारी अच्छाई, सोल पावर, ये सात गुणों और जो अवगुण है उसके बीच में ये युद्ध है. और इसीलिए जब उस पर विजय होते हैं तो देव पद को प्राप्त करना स्वर्ग में स्वाभाविक है. उसके बाद भगवान अर्जुन को कर्म योग की बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कर्म का आधार क्या है. व्हाट इज द बेसिस ऑफ कर्म, है ना? कर्म योग की बात बताते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म द्वारा तुम कर्मों के बंधन से छूट जाएगा. जीवन के अंदर हमें बॉन्डेज क्यों महसूस होता है कर्म का? तो जहां ये अवगुण है वहां बॉन्डेज क्रिएट होता है. लेकिन जहां ये सात गुण है, इस सात गुणों के आधार से तुम कर्म करोगे तो बॉन्डेज नहीं बनेगा,
राइट, आप बॉन्डेज से फ्री हो जाएंगे। इसलिए कर्म योग की पहली बात क्या बताता है, कर्म योगी किसको कहा जाता है? आध्यात्मिकता में भी कर्म योगी किसको कहा गया कि जहां हर कर्म हम ये सात गुणों के आधार पर करें ताकि हमारे बॉन्डेज क्रिएट ना हो। जहां विकार होगा वहां बॉन्डेज होगा, जहां क्वालिटीज होंगी वहां बॉन्डेज फ्री लाइफ, जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव हम यहां ही कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब हम सात गुणों के आधार से जीवन जीते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं इसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसे नष्ट करते हैं। सीड, जब ये क्वालिटीज के आधार पर हम कर्म करते हैं तो वो सीड इतना पावरफुल है कि उस कर्म को कोई नाश नहीं कर सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। शरीर छोड़ने के बाद भी लोग याद करते हैं कि ये व्यक्ति इतना प्यार बांटता था सबको, इतना सबको खुश करता था, है ना। कोई ना कोई ये सात गुणों की कोई ना कोई क्वालिटीज जो होती है उसी के आधार पर तो उसको याद करते हैं वो शरीर छोड़ने के बाद भी। तो इस बीज का कोई नाश नहीं कर सकता है, इतना पावरफुल वो कर्म हो जाता है। और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसको नष्ट करते, नेचर में भी ऐसी कोई ताकत नहीं है। आज बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, व्यक्ति को खत्म कर देंगे, चीज वस्तु को खत्म कर देंगे, लेकिन वो व्यक्ति जाने के बाद भी उसकी यादों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। और लोग यही कहेंगे जीवन जिया तो इसने जिया, कितना खुश रहता था और जहां वो जाता था खुशी की एनर्जी फैलाता था, क्या लाइफ की क्वालिटी थी। भले वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी वो सबको मदद करता था। कहते हैं कि नहीं कहते, याद करते कि नहीं करते? आज मदर टेरेसा के पास अपने पास कोई पैसे नहीं थे, दादी जानकी हमेशा कहती थी किस्सा खाली और बादशाह है, किस्सा खाली है लेकिन अमीर है, इतने समृद्ध है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटीज का खजाना है। लेकिन कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन फकीर है, फिर भी मांगते रहते हैं, है ना। तो प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं इसके बीज को नष्ट कर सके, उस व्यक्ति की यादों को कोई मिटा सके। आज 150 साल के बाद भी स्वामी विवेकानंद को लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? प्रकृति के पास कोई ताकत नहीं है, बड़े बड़े सुनामी आ जाए तो भी उसकी याद को कोई मिटा नहीं सकते, कहते ना। तो प्रकृति बहुत कुछ नष्ट कर देती है, सुनामी आती है बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, साइक्लोन्स आते हैं बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, टोर्नेडोज आते बहुत कुछ उखाड़ देता है, लेकिन उस व्यक्ति की अच्छाई को कोई उखाड़ सकता है? कभी नहीं। रियल कर्मयोगी, रियल कर्मयोगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी कभी भी लास्ट मोमेंट तक भी कर्म नहीं छोड़ा, सेवा नहीं छोड़ी। स्वामी विवेकानंद ने लास्ट मोमेंट तक सेवा नहीं छोड़ी, कर्म नहीं छोड़ा। मदर टेरेसा ने लास्ट मोमेंट तक कर्म नहीं छोड़ा, अमर हो गए, है ना, अमर हो गए। दादी जानकी एट द एज ऑफ 104 तो भी उसने कर्म नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? और उसी कर्म से वो एकदम जैसे बादशाह बन गए। कभी भी कर्म नहीं छोड़ना है, रियल कर्म योगी बनना है। कर्म योगी माना योग से जो हमें ये आत्मा की जो बैटरी चार्ज होती है उस वैल्यूज को फ्लो होने देना है, ये है रियल कर्म योगी लाइफ।
आगे भगवान कहते हैं, इस कर्म से, इस कर्म माना ये सातों गुणों के आधार पर किए गए कर्म से संपादित धर्म, यानी उससे जो तुम पुण्य को अर्जित करेंगे, कोई भी अच्छा कार्य करते उससे पुण्य प्राप्त होता है। तो ये सात गुणों के आधार से किए गए कर्म से संपादित धर्म, यानी जो पुण्य प्राप्त करता है वह जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। कि जन्म मृत्यु रूपी महान भय, उससे भी हमारा उद्धार माना हमें पार ले जाता है। क्यों? आज इंसान को जीवन में सबसे बड़ा अगर भय है, किस चीज का भय है? मृत्यु का भय हर इंसान को है। क्यों? मरने से डर क्यों लगता है लोगों को? मृत्यु का डर क्यों लगता है? इतने भी अगर तकलीफ में है व्यक्ति, शारीरिक भोगना में है, मुख से बोलेगा अब तो भगवान उठा ले, लेकिन अगर मौत सामने आ जाए तो क्या कहेगा? अभी थोड़े दिन और, पोते का मुंह देखना है, फलाना देखना है, ये देखना है ना, एक आशाएं अंदर रहती है। तो मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय क्यों? इंसान को सबसे बड़ा भय मृत्यु का क्यों है? क्योंकि मनुष्य जानता है कि मैंने इस जीवन में इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं जितने पाप कर्म किए हैं। मनुष्य जीवन पर्यंत पाप ज्यादा करता है, पुण्य ज्यादा करता है? पाप ज्यादा करता है ना, तो वो पाप उसको डराता है, और वो जानता है जब मैंने इतना अच्छा पुण्य नहीं किया है, अगर ये शरीर छूट गया तो पता नहीं इसके बाद कहां जन्म मिलेगा, और ये सारी फैसिलिटीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मेरे पाप कर्म के फल से मुझे अगर ऐसे गरीब घर में जन्म मिला जहां मुझे ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तो हाउ विल आई सर्वाइव, ये सोचता है, मैं कैसे जीऊंगा? इसलिए सोचता है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दुख मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यही जीना है। तो भगवान को कहते हैं आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे शक्ति दो, मुझे ये दो वो दो, मैं मरना नहीं चाहता, है ना। मनुष्य को डराता है उसका पाप। तो जब आप सात गुणों के आधार पर कर्म करो तो पुण्य मिलेगा। आप किसी को खुशी देंगे तो उससे पाप थोड़ी इकट्ठा होगा, पुण्य ही मिलेगा। आप किसी को शांति देंगे, खुशी देंगे, प्यार देंगे, ये सब देने से क्या मिलेगा आपको? पुण्य अर्जित होगा। और जब आपका पुण्य का खाता भरपूर होगा तो मौत भी आए ना, डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको विश्वास है कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो इससे भी अच्छा मिलेगा, इससे भी अच्छे घर में मिलेगा, आपको भय नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि इस कर्म से संपादित धर्म जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार करने वाला है, उस भय से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये सातों गुणों की एनर्जी के साथ कर्म करो, That is real कर्म योग। फिर आगे भगवान कहते, लेकिन इसमें निश्चयात्मक बुद्धि हो करके कर्म कर, डाउट्स नहीं लाओ। पता नहीं मैंने किसी को प्यार दिया तो वो क्या समझेंगे, पता नहीं मैंने ऐसा किया तो वो क्या करेंगे, नहीं। हैव बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ कोई बुरा होगा ही नहीं, आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर बड़े से बड़ी परीक्षा भी आ गई लाइफ में कोई पास्ट कर्मों के कारण,
वो पास्ट कर्म शायद अच्छे नहीं थे उसके कारण आए, ये नहीं कि आप अच्छा करना शुरू किया इसीलिए वो आपके साथ बुरा होने लगा है, नहीं, पास्ट कर्म का भी तो यहीं चुप तो करना है। तो इसीलिए, लेकिन पास्ट कर्म का अगर कोई दुख दर्द आया भी तो इस समय का जो पुण्य कर्म आप कर रहे हैं तो वो उस दर्द को बहुत कम कर देगा, वो आएगा निमित्त मात्र आया और चला गया, जैसे मक्खन से बाल, वो दर्द आपको भोगना का रूप अनुभव नहीं करेगा, कराएगा, है ना। इसीलिए पुण्य कर्म दुआओं की आवश्यकता है लाइफ में, जितनी दुआएं कमाएंगे जितना पुण्य कर्म करेंगे, तो अगर पास्ट के कर्म से कोई ऐसे हमने कर्म किए हैं जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आया तो वो दुख भी बहुत कम होने लगेगा, उसकी फीलिंग नहीं आएगी, वो खाली निमित्त मात्र आएगा और चला जाएगा, वो प्रॉब्लम आएगा और चला जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। आगे फिर भगवान कहते हैं, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। गीता का ये सबसे पॉपुलर श्लोक है, हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। कई लोग सोचते हैं कर्म करे फल की चिंता क्यों ना करे, फल की चिंता तो करनी पड़ती है। आज एक छोटे बच्चे को भी आप कहो ना, अच्छा बेटा ये काम कर दो, वो सबसे पहले पूछेगा क्या मिलेगा, ये कर्म करने से मुझे क्या मिलेगा, तो फल की चिंता तो पहले हो रही है। अरे तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ये सीधी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज लॉ ऑफ कर्म, ये कर्म का सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, ये कर्म सिद्धांत है। क्या चतन, एज यू सो सो शैल यू रीप, है ना। तो जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, चिंता क्यों करने की। तो कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है, है ना। और लोगों को फल की चिंता पहले होती है, भगवान कहते तू फल की चिंता नहीं कर, तू अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा ही मिलेगा। फिर आगे भगवान सावधानी भी दे रहे हैं अर्जुन को और कहते हैं, हे अर्जुन आसक्ति और संग दोष, ये दो बातों का ध्यान रखना कर्म करते समय, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति माना ग्रीड नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज की, और संग दोष, खास करके अपने संग को कुसंग में नहीं आना, संग की संभाल कर। तो आसक्ति और संग दोष को त्याग कर उसको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें कर्म करते समय, सिद्धि असिद्धि में समान भाव रख, सफलता मिली या असफलता मिली, टेम्पररी कभी कभी हमें दिखाई देता है कि वी आर नॉट सक्सेसफुल, हमें सक्सेस नहीं मिला, लेकिन उसके पीछे भी कोई कल्याण है। तो सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समान भाव, इक्वेनिमिटी जिसको कहा जाए, वो रखना बहुत जरूरी है। और योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर, अर्थात एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रखो, योग में रह, योग में इसलिए कहा भी योग माना बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, इसलिए कहा योग के कई मतलब है, योग माना कनेक्शन, योग माना बैलेंस, तो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रह करके निष्काम कर्म कर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी रिटर्न, अनकंडीशनल जिसको कहा जाए। तो योग में स्थित हो करके निष्काम कर्म कर, यह समत्व भाव, समत्व माना बैलेंस, इक्वेनिमिटी, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है, दिस इज योग। वो क्लियर किया भगवान ने योग का मतलब क्या है,
योग का मतलब है समत्व भाव, समान भाव, सबके साथ हमारा समान भाव है। और आगे भगवान कहते हैं समत्व बुद्धि के साथ, बहुत सुंदर आगे की लाइन भी कही है कि समत्व भाव बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। अभी यहां योग का मतलब और बताए एफिशिएंसी, कि तुम्हारे हर कर्म में एफिशिएंसी आती जाएगी। जब बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बुद्धि समत्व बुद्धि के साथ जब तुम कर्म करेगा तो कर्म में एफिशिएंसी आएगी, वो कर्म में कुशलता आएगी। तो भगवान यहां अर्जुन को कर्म कुशल कैसे बनना है, व्यवहारिक कुशलता कैसे लानी है वो समझा रहा है कि ये सात गुणों के आधार पर क्यों कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड आएगा और उसी से ही एफिशिएंसी हमारे कर्मों में आएगी। कर्म में कुशलता, व्यवहारिक कुशलता स्वाभाविक जीवन के अंदर अनुभव करेंगे। और फिर लास्ट में भगवान कहते हैं कर्म योग के इस विषय को आगे बढ़ाते हुए के यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त करेगा। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी विचलित है और जिस समय वो विचलित बुद्धि समाधि में स्थिर माना एकाग्र हो जाएगी, जब अच्छे कर्म करेंगे तो आपका माइंड वेवर नहीं होगा, आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी। बुरा कर्म व्यक्ति के माइंड को विचलित करता है, मनुष्य को आंतरिक परेशान करता है, लेकिन जिस समय ये विचलित बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाएगी तो क्या होगा, तब तुम योग की पराकाष्ठा माना योग की पराकाष्ठा हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर लेगा और जिसको कहा जाता अमृत पद। जैसे स्वामी विवेकानंद ने जीवन के अंदर अमृत पद को प्राप्त किया, इज रिमेम्बर्ड फॉर एजेस। महात्मा बुद्ध ने अमृत पद को प्राप्त किया, इज रिमेम्बर्ड फॉर एजेस, लोग उसको याद करते हैं, इतने हजारों साल में भी याद करते हैं, उसको आइडियल समझते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत समझते हैं, अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमृत पद मिल गया, इस संसार में भी उसको अमृत पद मिल गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि योग के द्वारा तुम अपने मन को शांत कर, विचलित नहीं होने दे, स्थिर कर, बैलेंस स्टेज में आ जाओ। और जब बैलेंस स्टेज में आ जाते हैं तब तुम उस अमृत पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात और कितनी डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल बात भगवान अर्जुन से कर रहा है। उसके बाद भगवान अर्जुन को स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताते हैं और क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर उन्हें इंद्रिय विषय रसनाओं से हटाना जानता है वही स्थित प्रज्ञ है। समेटने की शक्ति और अंतर्मुखता की धारणा आत्म अनुभूति से होती है। माना जो व्यक्ति कछुए की तरह माने टॉर्टोइस की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, कहां से समेट लेना है, कर्म से नहीं, लेकिन जो इंद्रियां विषयक रसना माना जो इविल्स है और उसमें कई बार लोगों को आनंद आता है, जैसे मोह व्यक्ति को सुख देता, कई माताओं को मोह क्यों इतना है, क्योंकि उस मोह में उसको सुख मिलता है, रसना मिलती है ना। कई लोगों को गुस्सा करने के बाद खुशी होती है, किसी को डांटने में खुशी होती है, रसना मिल रही है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिस तरह एक कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, किससे समेटा, डेंजर से, जब एक टॉर्टोइस डेंजर देखता है ना तब अपनी इंद्रियों को समेटता है।
नहीं तो बड़े आराम से चलता है, निर्भय होकर के चलता है, लेकिन जहां उसको खतरा महसूस हुआ कि तुरंत अपने अंदर समेट लेता है। ठीक इसी तरह भगवान भी कहते हैं कि कर्मयोगी बनने के लिए यथार्थ रीति से कर्मयोगी और एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रखने के लिए तुम्हें अपनी कर्मेंद्रिय को जब तुम देखो कि इविल्स या कमजोरी आ रही है तो वहां समेट लो अपने आप, वो डेंजर है। क्रोध जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कई लोग कहते हैं ना क्या करे, क्रोध आ जाता है, इतनी एकदम ऐसी रिएक्शन है कि उस समय व्यक्ति कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो जैसे ही आप देखो कि यहाँ वो वीकनेस मुझे बहा के ले जाएगी अपने में, तो अपने आप को समेट लो। तो इंद्रिय विषयक रसनाओं, विषय जो विषयक माना जो विष के समान है, पॉइजन के समान है, तो जो इंद्रियों के पॉइजनस रसनाएं हैं उससे वहां से हटा लो उसको, और तब स्थित प्रज्ञ एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ तुम काम कर सकोगे और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। तो समेटने की शक्ति और अंतर्मुखता, जहां ऐसा देखो तो जैसे परमात्मा भी हमें कहते हैं कि जहां क्रोध वाली सिचुएशन देखो मुख में मुलहरा डाल दो, यानी अपने ताकि बोल ना सको, मुलहरा डालना माना बोल ना सको, तो इस तरह से अंतर्मुखी होकर के साइलेंस में चले जाओ, कुछ नहीं बोलो। लोग कहेंगे क्यों नहीं बोल रहा है, और गुस्सा उनको आता है क्यों नहीं बोल रहा है? आप कहो आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, आप गुस्से में, क्योंकि नहीं तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण के लिए कि जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है, है ना, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्ति, मन के अंदर ही तो व्यक्ति के अंदर डिजायर्स और ये सब रहता है, उन आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह आत्म से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जहां इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, जब हम अनेक प्रकार के इविल डिजायर्स जो है उसको त्याग देते हैं, तो त्याग करने से आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है, और तब व्यक्ति का बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड सहज अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकता है। इसीलिए कर्मयोगी के साथ साथ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड का बहुत डीप कनेक्शन है। फिर आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार से तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर ले जाता है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेता है। जैसे तेज हवा आती है तो समुद्र के अंदर कोई नाव होती है तो जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में उसको फ्लो करके ले जाती है। ठीक इसी तरह कभी कभी जो कर्मेंद्रिय का वेग आता है अंदर से, इतना फोर्स आता है, और वो बुराई जो है वो अपने मन को भी वशीभूत कर लेती है और विवेक को, हमारे विजडम को हर लेती है। इसलिए भगवान ने कहा जिस प्रकार तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है, उसका विजडम खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर अधिकार होता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, कंट्रोल ऑन द सेंसेस, अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है। जिसने अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, वही ईश्वरीय अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन के अंदर धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर अंदर में परमानेंट समा जाता है, शाश्वत रूप से अंदर में समाया रहता है। तो
तो ये भगवान ने कितनी सुंदर बात अर्जुन को समझाई कि क्यों तुम्हें अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखना है, नहीं तो तुम्हें वो ऐसे डायरेक्शन लेस तुम्हें बना देगा जीवन के अंदर, और तुम भटकता, तुम्हारा मन भटकता रहेगा, शांत नहीं हो सकेगा। फिर अर्जुन पूछता है कि मनुष्य अपने मन को स्थिर करने के लिए और क्या कर सकता है। तो यहां एक रोड मैप बताया है भगवान ने अर्जुन को कि कैसे मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। तो कहा, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष, विषय का मतलब यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे हम भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो विषय किसको कहा? विकारों को, वाइसेस को कहा। तो यहां कहा जो विषयों का चिंतन करने वाला है, जो विकारों का चिंतन करता है, मन के अंदर विकारों का चिंतन है, तो विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, उसमें फंस जाता है, उन विकारों में फंस जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, डिजायर्स उत्पन्न होती है, जैसे ही उसमें अट्रैक्ट हुआ तो उससे डिजायर्स उत्पन्न हुई, फिर कामना पूर्ति नहीं हुई, वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए, तो क्या होता है? क्रोध आता है इंसान को, और क्रोध से अविवेक, मनुष्य क्या बोलता है पता ही नहीं चलता है उसको, अविवेक से उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मना वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसकी मेमोरी काम नहीं करती है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो विजडम वाली बुद्धि है वो भी नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा गया है, बुद्धि को स्थिर करने का योग भी है। तो ये रोड मैप है कि जो विकारों का चिंतन करता है वो विकारों में फंस जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन से कई डिजायर्स उत्पन्न होती है, और वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो विवेक खत्म हो जाता है, उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती। अविवेक जागृत हुआ तो स्मरण शक्ति माना मेमोरी के ऊपर उसका लॉस हो जाता है, कि अच्छी बातें भी वो भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये रोड मैप पता है सारा, कैसे व्यक्ति के जीवन के अंदर कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है ये बताया। और फिर इस दूसरे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है। अगर योग साधना भी नहीं कर रहा है, मेडिटेशन भी नहीं कर रहा है, तो उसके अंतकरण में, अंदर भीतर में अच्छे कर्म करने की बुद्धि भी नहीं होती है ना? उसके अंतकरण में भाव नहीं होता है, जो कर्म करेगा उसमें भी भावना रहित होगा, प्रेम से करे, भावना से करे, जब भाव रहित है तो शांति नहीं मिलती है। और अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं, फॉर एवर जिसको कहा जाए, सनातन फॉर एवर शाश्वत, एम्पावर्ड भी फील नहीं करेगा, फॉर एवर की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। तो ये पॉजिटिव का रोड मैप है कि योग साधना क्यों करनी चाहिए। तो योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म अनकंडीशनल कर्म करने की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि नहीं होती तो भाव भी नहीं होता है, भावना भी नहीं होती है, और भावना नहीं है तो शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो सुख नहीं है, तो वो एम्पावर्ड फील नहीं करता है। कितने सुंदर तरीके से ये बात स्पष्ट समझाई है। तो योग माना क्या? सेल्फ डिसिप्लिन। योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो योग का और एक अर्थ बताया कि योग माना क्या,
तो योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इसको कहा योग, कि जहां हम खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता है, जब फ्रस्ट्रेशन में है उसको खुशी थोड़ी होती है। अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आत्म उदासीन, जहां उदासी जीवन के अंदर आ गए तो वो अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते, तुम उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, तो तुम अपना ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए लाइफ के अंदर कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं होने देना चाहिए। किसी भी विधि से अच्छे कर्म करेंगे तो उमंग उत्साह बढ़ता ही जाएगा। सातों गुणों के आधार पर कर्म करो तो उमंग उत्साह बढ़ेगा, बुराइयों के आधार पर कर्म करेंगे तो डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। इसीलिए दुनिया के अंदर जिसको भी डिप्रेशन आता है, लोग क्या कहते हैं, ये कर्म का फल है। कौन से कर्म का फल है? अच्छे कर्म का फल तो ऐसा नहीं हो सकता है, नेचुरल है बुरे कर्म। तो बुरा कर्म व्यक्ति को कभी सुखी शांति में रहने नहीं देता है। उसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही है। बुरा कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुशी भी होती होगी कि चलो मैंने इसको उल्लू बना दिया, मैंने इसको चीट कर लिया, लेकिन उस समय खुशी हुई, उसके बाद क्या उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा? जरूर भोगना पड़ता है। और जब उसका फल सामने आता है उस समय कैसा फील होता है? तो नेचुरल है डिप्रेशन आना, ये भी तो। इसीलिए डिप्रेशन ना आए तो सातों गुणों की ऊर्जा से आप काम करते रहो। ये एनर्जी आपको अंदर में इतनी बल देता है, इतनी शक्ति देता है। और इसीलिए मेडिटेशन माना क्या? मेडिटेशन माना इस ऊर्जा को डेवलप करना। जैसे कहा ना, जितना चिंतन करेगा वैसा बनता जाएगा। तो चिंतन से ही वो बनता जाता है व्यक्ति। As you think, so you become। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन के अंदर जितना आप शांति का, प्रेम का, आनंद का चिंतन करते, योग में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। जितना वो चिंतन करेंगे वो बढ़ेगा अंदर, वो ऊर्जा बढ़ेगी। साथ ही साथ भगवान से जब कनेक्ट करते हैं तभी ईश्वर से भी हमें अच्छी वाइब्स ही मिलती है, अच्छी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। उससे भी आत्मा के सात गुण अंदर में विकसित होने लगते हैं। ठीक है, तो चले थोड़ी देर मेडिटेशन करें। अच्छा, तो आज सातों गुणों का चिंतन करते हुए उस ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करें। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मस्मृति में स्थित करते हैं अंतर चक्षु से स्वयं को देखे भ्रुकुटि की मध्य में। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज ब्रुकुटि के अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध हूं, पवित्र हूं।
मेरी वास्तविकता पवित्रता है। मैं आत्मा अपने पवित्रता के प्रकाश को चारों ओर महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप मेरा गुणधर्म शांति है। शांति के प्रकंपन चारों ओर फील कर मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। इसी शांति में सच्चा सुख महसूस हो रहा है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप यही मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे मैं स्वयं में ये सातों गुणों की ऊर्जा को विकसित कर रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। कितना कंफर्टेबल मैं स्वयं में फील कर रही हूं। ये मुझ आत्मा की शक्ति है। मैं आत्मा शक्तिशाली कितना सुंदर अनुभव है ये। कितना रिलैक्स स्वयं में फील कर रही हूं। मैं आत्मा सत्वगुणी स्थिति में स्थित ये सत्वगुणी स्थिति
मेरी वास्तविकता है। अब मुझे हर कर्म इन सातों गुणों की शक्ति के साथ करते हुए यथार्थ कर्म योगी बनना है। इस कर्म योग से ही आंतरिक स्थिरता एकाग्रता मेरी विकसित होगी। और जीवन में व्यवहारिक कुशलता कर्म कुशलता स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आ